हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत से हमारे जो भाई लोग, फ्रेंड लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि गर्दन पर मस्से होने का मतलब बताइए। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो लाए हैं, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, त्वचा पर बने मस्से और पेपिलोमा आदि वायरस के कारण बने छोटे और खुरदरे कठोर पिंड होते हैं और यह शरीर के किसी भी अंग पर बन सकते हैं, जिनका वैज्ञानिक तौर पर कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन भारत में मस्सों को भविष्य का प्रतीक भी मानते हैं। जैसे गर्दन पर मस्से होने का मतलब माना जाता है कि वे बहुत साहसी होते हैं। ये लोग पढ़ाई कमी कर पाते हैं, लेकिन ये आर्मी, पुलिस और राजनेता बन सकते हैं। भारत के किसी ऋषि मुनि ने मस्से के तीन भेद बताए हैं। नंबर एक, शरीर की त्वचा के बाहर की तरफ निकले हुए काले रंग के मस्से होते हैं। नंबर दो, अगर त्वचा के अंदर दबा हुआ है लेकिन कुछ बाहर की ओर रोमयुक्त उभरा हुआ होते हैं। नंबर तीन, कुछ लोगों में यह गेहुए रंग का मांस बिंदु होता है जो रंग विकार के कारण बाहर निकलते हैं और कुछ समय बाद औषधीय उपचार से घिर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मस्सा आकार में राई अथवा बाजरे के दाने के बराबर होता है तो वह अच्छा है, अन्यथा अशुभ है। दोस्तों, ऐसी अन्य वीडियो जानने के लिए हमारे इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप इन्हें विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी एक वेबसाइट है nayichetna.com करके, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।